हाय फ्रेंड्स, आज मैं मिक्स वेज ग्रेवी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पर रख दिया था, कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो मैंने थोड़ा सा सरसों तेल डाला, उसमें खड़ी लाल हरी मिर्च डाली है, बीच बीच से हरी मिर्च को कट किया मैंने, दो प्याज डाला है। अब प्याज और हरी मिर्च को भून लेंगे। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पालक, जो कि मेरे किचन गार्डन का ही है। अब प्याज को भी अच्छी तरीके से पालक के साथ भून लेंगे। उसके बाद मैंने डाला है 10 से 12 दाने काजू के। अब इन सबको अच्छी तरीके से मैं फ्राई करने वाली हूँ। जब ये फ्राई हो जाए तो इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी, एक टमाटर। हाँ जी, यहाँ सारे मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, तो अब मैं इसका एक पेस्ट बना लूंगी। यहाँ मैंने कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने गोभी को पहले से ही बॉयल करके रखा था, तो अब गोभी को फ्राई कर लेंगे। खड़ी लाल मिर्च डाला है मैंने। गोभी जब हल्का फ्राई हो जाए तो इसमें गाजर ऐड करें। गाजर के बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड किया है। अब शिमला मिर्च को भी अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिला देंगे चारों बगल। मटर डाल दिया मैंने। थोड़ा सा सब्जी मसाला है डालना है। सब्जी मसाला डालने के बाद अच्छी तरीके से चला दें। और यहाँ पे जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे भी डाल देंगे। डाल के अब अच्छी तरीके से सब्जी में फ्राई होने देंगे, सब्जी के साथ फ्राई होने देंगे। और यहाँ अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी फ्राई कर रही हूँ। अब डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम पानी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ देखिए हमारी सब्जी लगभग बनके तैयार हो चुका है, तो बस अब मैं प्लेटिंग कर लूंगी। और यहाँ देखिए हमारा मिक्स वेज पालक ग्रेवी बनके रेडी हो चुका है। तो गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा बटर डाला है, और यहाँ पे हमारी सब्जी बनके रेडी है।